हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ डिलीशियस मॉइस्ट चॉकलेट केक। तो इसके लिए चाहिए हाफ कप मैदा और ग्राइंडेड शुगर हाफ कप, 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, और चाहिए 3 टीस्पून ऑफ कोको पाउडर। तो अब हम इन सब चीज़ों को छान लेंगे अच्छे से, और चम्मच से थोड़ा से मिक्स कर दीजिएगा ताकि सब इंग्रेडिएंट जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब मैंने लिया है 2 अंडा और इसमें दिया है 1 पिंच सॉल्ट, और इसे हम बीट करेंगे। और फिर से बीट करने के बाद हम देंगे 1/2 कप रिफाइंड ऑयल, और फिर से हमें इसे बीट करना है। तो अब मैं डाल दूंगी अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स और इसे हमें मिक्स करना है। और इसे ना अब एक बार में सब मत डालिएगा, क्योंकि जो थिकनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी बैटर का, और आपको मिक्स करने में भी दिक्कत आ सकती है। तो अब मैं डाल दूंगी थोड़ा सा मिल्क और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो बचा कुचा ड्राई इंग्रेडिएंट्स था वो भी मैं डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बैटर हमारा रेडी है। मैं केक को स्टीम करूंगी और स्टीम करने में लगेगा 30 मिनट्स। तो मैंने 15 मिनट्स के बाद चेक किया तो ये कच्चा था। हमारा केक रेडी हो चुका है और देख सकते हैं टूथपिक बिल्कुल क्लीन है। तो अब मैं इस केक को काटूंगी। आप देख ही सकते हैं कितना स्पॉन्जी हमारा केक बना है और कितना मॉइस्ट बना है, ये देखिए। तो अब आया है इसे टेस्ट करने का बारी। तो ये केक बहुत डिलीशियस था, बहुत चॉकलेटी था और बहुत मॉइस्ट था। तो इस लॉकडाउन आप ये डिलीशियस चॉकलेट रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो आज के लिए बाय बाय।